सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं वेलकम करता हूँ आप लोगों का एक और न्यू वीडियो मेरे चैनल पे। तो अभी टाइम तो भाई काफी ज्यादा हो गया, दोपहर के 3:30 हो रहे हैं, पर सुबह एसी वाला आया था। पहले तो मेरा एसी डिलीवर हुआ, उसके बाद वो इंस्टॉल हुआ है, न्यू एसी लगवा लिया मैंने। तो पहला काम ये रहेगा, मैंने मेरा पीसी, अभी काफी दिन से रूम बंद था तो भाई बहुत ज्यादा गंदा हाल हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कीबोर्ड के अंदर इतनी डस्ट हो गई है, इससे ज्यादा अपना मतलब पूरे पीसी सेटअप पे भी हो गई है। एक्चुअली मेरा पुराना ग्राफिक कार्ड खराब हो गया था, तो कई दिन से पीसी बंद था, और अभी टेम्परेली एक 1060 लेके आया हूँ एक बंदे से, जो टेम्परेली कुछ दिन के तक मेरा ग्राफिक कार्ड ठीक हो गया आ रहा है तब तक के लिए। तो अभी वो कीबोर्ड में इतनी ज्यादा धूल मिट्टी हो गई है कि कई बार बटन भी प्रेस नहीं हो रहे, तो अभी काम क्या है कि उस कीबोर्ड को निकालूंगा। मेरे पास एक आइडिया है, अभी दिखाता हूँ क्या करने वाला उसको साफ करने के लिए। और दूसरा, मैंने मेरी गाड़ी में जो गियर नॉब होता है हमारा, उसके लिए वो दिया था, मतलब उसका जो फैब्रिक होता है उसको कवर करता है, तो वो कवर खराब हो गया था तो मैंने उसको भी बनने के लिए दिया था। एक्चुअली वो लेना तो कल शाम को था पर मैं जा नहीं पाया, मैं लेट हो गया था, मुझे कहीं और जाना पड़ गया था। तो वो भी लेंगे आएंगे, उसको भी गाड़ी में लगाऊंगा कि वो वापस ऊपर लेके आएंगे। देखते हैं कीबोर्ड कितना साफ हो पाता है, आई होप साफ हो जाए यार, क्योंकि कीज बहुत चलने में इश्यू कर रही है। तो अभी चलते हैं। हाँ तो भाई अभी आए हैं हमारे मैकेनिक भाई साहब के पास, इनके पास है एयर कंप्रेसर, और ये धूल मिट्टी निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ निकाल के तो साफ नहीं करना चाहता। मैंने पहले ही कई बार ही करा है कीबोर्ड साफ, तो बहुत मेहनत लगती है। अभी सिर्फ एयर कंप्रेसर मारेंगे और देखते हैं कितना फर्क आता है। तो पहले मैं इसे साफ करता हूँ। हाँ तो भाई सफाई गई है, वो अंदर से ऐसे उड़ी है धूल मिट्टी क्या, बड़े बड़े जैसे डस्ट के पार्टिकल बुरादे जैसे होते हैं ना, वो भी निकलेगा, तो एकदम चमक गया। हाँ तो भाई अब मैं बनवा के लाया हूँ उसको ब्लैक कलर का, और यहाँ लग जाएगा कुछ ऊपर ऐसे, तो थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट आ जाएगा गाड़ी के अंदर। चलो इसको लगाता हूँ, देखते हैं पूरा लुक कैसा आता है। हाँ तो भाई ये हो चुका है फिट, देख सकते हो तुम कितना सही लग रहा है, पूरी गाड़ी के साथ थोड़ा कलर टोन भी आ रहा है अलग सा, क्योंकि बाकी ब्लैक है थोड़ा ब्राउन सा, तो अच्छा फील आ रहा है, और कहीं पे ये बड़ा छोटा भी नहीं हो रहा, अटक भी नहीं रहा, तो प्रॉपर। तो मुझे ये कलर लगा सही, कमेंट करके बताना अगर किसी को कलर खराब लगा हो तो फ्यूचर में दोबारा चेंज करवा देंगे। हाँ तो भाई अब आ गए ऊपर, मैंने कार में वो कवर लगा दिया, गियर कवर जो बनवा के लाया था अभी, और अभी आ गए हैं पीसी पे, और ये हमारा कीबोर्ड। मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी लाया हूँ, पूरी हमारी टेबल को अच्छे से साफ करेंगे और फिर दिखाता हूँ सेटअप कैसा दिख रहा है। अभी तो काफी ज्यादा गंदा, इतनी ज्यादा डर्ट हो रखी है ना, मैं क्या बताऊँ। ये देखो अभी दिखेगा तुम्हें फर्क, दिख रहा है इतनी डर्ट हो रखी है मतलब। अभी तो अभी करते हैं पूरी टेबल की सफाई, फिर दिखाता हूँ क्या चकाचक लग रही है, तो थोड़ी सी एडिटिंग मैजिक के साथ। ये देखो 1 2 3, तो भाई सिस्टम एकदम चकाचक हो गया, सब कुछ चमक रहा है। देखो कीबोर्ड के अंदर डस्ट देखने को भी मिल रही कहीं ढंग से, और यहाँ पे भी एकदम साफ चकाचक। और जब इसको स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और ये फायर्ड अप, हाँ ये रहा बटन। रुको रुको, थोड़ी लाइट और चसनी है, अभी एक या दो लाइटें और चसनी चाहिए, कितने लगा गए उन्होंने में। आई होप अब तक तो ऑन हो जाता है यार। हुआ चला, पर इसमें थोड़ी सी लाइटें और है, मैंने कनेक्शन हटा रखा है अभी के लिए। अभी ये फायर अप हुआ है, अभी इधर से लाइट वाइट आएंगी, देखो कीबोर्ड में लाइट घूमने लग गई, कब तक नाचेगी, हो जा भाई बंद। तो ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ तो क्या है भाई, देखो फायर अप हो गया पीसी अच्छे से। अब तो एक नंबर चल रहा है, सब कुछ स्पीड सब कुछ मस्त कनेक्शन ले रहा है। तो मैं थोड़ा सा डाटा ट्रांसफर का काम कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। ये मेरा बैनर, मुझे इतना अच्छा लगता है वाला पोस्टर, ये जगह इतनी अच्छी थी, लद्दाख टू गुड, लद्दाख इतना अच्छा था ना, मतलब व्यूज के मामले में लद्दाख की टक्कर नहीं है। आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया जगह मिलेगी देखने को। अगर भाई जिसको भी जब भी टाइम मिले एक बार जरूर विजिट करके आना, चाहे आप गाड़ी में जाओ, बाइक पे जाओ, कैसे भी फ्लाइट में जाओ, कैसे भी विजिट करके आओ, विजिट जरूर करके आना लद्दाख को, बहुत अच्छी जगह है। तो मैं मिलता हूँ ट्रांसफर के बाद, भाई थोड़ा सा और जो भी कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है। हाँ तो भाई अब पीसी के लिए हो चुकी है, मैं थोड़ा रेस्ट भी करने के बाद बहुत थक गया था, पसीना तो ऐसे बह गया था ना, गर्मी इतनी लग रही थी ना इससे ज़्यादा, तो ये वहाँ सिर्फ पंखा और गर्मी बहुत ज़्यादा हो। तो अभी चल रहे हैं नीचे, मेरी साइकिल खड़ी है, साइकिल को थोड़ा देखूंगा, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सुबह साइकिल वगैरह कर लूँ, थोड़ा सा फैट बढ़ गया है बॉडी पे, कम करने की ज़रूरत है अभी। तो नीचे चलते हैं, देखते हैं साइकिल में मतलब कितना कुछ काम है, काफ़ी यार महीने भर से खड़ी मैंने चलाई नहीं है, तो कुछ सफाई की ज़रूरत है, कितनी सफाई की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ से क्लीन की और ड्यूब की ज़रूरत, देखते हैं। अगर नीचे काम हो जाएगा नीचे कर लेंगे, नहीं तो साइकिल को उठा लूंगा ऊपर। तो आगे वाला टायर इजीली रिमूव हो जाता है सिर्फ एक पिन के साथ, तो कोशिश करूंगा अगर ज्यादा गंदा रहा तो मैं ऊपर ले आऊंगा, यहाँ पे आराम से रख के साफ करेंगे, क्योंकि नीचे यार थोड़ा इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता मेरे को, यहाँ आराम से पंखे के नीचे करेंगे काम। तो अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं कि साइकिल में कितने काम की जरूरत है। हाँ तो भाई हमारी आलीशान सवारी
तो जरा कपड़ा हटा लेते हैं इस पर, मैंने ऐसे रखा हुआ है। कई बार मैं अगर एक दो दिन के लिए बाहर जाता हूँ तो बाइक या साइकिल पे, मतलब साइकिल पे भी डाल देता हूँ, पर अभी उतारा हुआ था तो बाइक पे डाल जाता हूँ। कुछ ऐसा है, ये जो आपको कलर दिख रहा है ये कलर ने एक्चुअली रैप करवाया था मैंने साइकिल पे, की हालत काफी खराब हो गई, इसको भी ठीक करवाना है। तो अभी देखता हूँ साइकिल में कहाँ तक का सफाई और लुब्रिकेशन का इशू, अगर ठीक रहा तो फिर ऊपर ही ले जाऊंगा साइकिल को, एक ही बारी में करके ले आएंगे नीचे और ट्राई करेंगे कल से साइकिलिंग करने की। तो साइकिलिंग के भी पोस्ट आएंगी वही स्टेट चैनल, तो वही इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो यार और देखते हैं कितना काम रहता है। इसे हैंडलिंग वगैरह तो ठीक काफी हद तक, धूल मिट्टी ज्यादा है, सफाई की ज्यादा जरूरत है और आई थिंक चेन लूप की भी जरूरत है, काफी दिन से खड़ी है साइकिल। तो चलते हैं, मैं ऊपर ले चलता हूँ यार, इसको ज्यादा बेटर रहेगा ना। तुम क्या वेट कर रहे हो, मैं जब तक तो इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तब तक तुम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। हाँ तो भाई, साइकिल को मैं ले आया था ऊपर और सफाई की थोड़ी ज्यादा जरूरत है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्क है काफी रफ हो गया, इतना इसको रफ होना नहीं चाहिए इसको, और मेरा काफी हद तक रैप भी खराब हो चुका है। तो सून जल्दी इसको रैप करने के लिए भी दूंगा फ्रेम उतार के पूरा, मतलब टायर वायर सब उतार के, उस बंदे को सिर्फ फ्रेम देना पड़ेगा कि वो तभी अच्छे से काम कर पाएगा इस पे। और थोड़ा चैन को भी आई थिंक लूप की जरूरत है, हल्के फुल्के लूप की जरूरत है, मैंने रिसेंटली लूप करके खड़ी करी थी साइकिल। सफाई करते हैं टोटल इसकी, थोड़ा सा लूप करता हूँ तो तक कुछ टाइमलेस देखो बढ़िया बढ़िया से इसके। हाँ तो भाई, सफाई की शुरुआत कर रहे हो, हम ऊपर से शुरू करेंगे। मैंने ले लिया माइक्रोफाइबर क्लॉथ और मैंने इसे थोड़ा सा गीला कर लिया है ताकि ये थोड़ा सा ग्रिप्स के कट्स के अंदर भी घुस जाए, हल्का फुल्का अगर घुस पाए तो हम अच्छे से एक बारी सब जगहों से रब करेंगे। और इसमें हाइड्रोलिक पेड्स हैं, मैंने इसको अपग्रेड कर दिया था, मैकेनिकल आते थे, एक तो हाइड्रोलिक इंडिया मिलते नहीं है जल्दी से, और मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे क्योंकि मैंने तो फिर इनको इम्पोर्ट करवाया था, इम्पोर्ट में खैर अली एक्सप्रेस से आते थे उस टाइम पे, इम्पोर्ट ही बोल सकते हैं अली एक्सप्रेस का माल, और क्या ही बोलेंगे उसको। ये देख लो यार, रैप मतलब सारा रैप मेरा डिस्ट्रॉय सा हो गया, रैप को चढ़े हुए ऑलमोस्ट यार 2-2.5 साल हो गए दी थे, फिर ये मेरे भाई के पास चली गई थी देहरादून, तो वहाँ पर भी इसका ख्याल नहीं रखा गया, अभी सीट मैंने नहीं ला के डाली है इसके अंदर। तो मैं जरा एक बार इसको अच्छे से कपड़ा मार के सारी मिट्टी उतार लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ क्या लूप करना है और क्या नहीं करना है। तो भाई साइकिल पे अच्छे से मैंने गीला कपड़ा, मतलब गीला नहीं वो हल्का स्वेट ऑफ मॉइस्ट था, पूरा गीला नहीं बोलूंगा, मैंने पूरी साइकिल पे अच्छे से कपड़ा मार दिया है। अब तुम देख सकते हो कहीं भी धूल मिट्टी नहीं दिख रही है। हाँ, इसका जो इसका कलर ही ऐसा है, ये उतरता नहीं, वो थोड़ा सा मैंने ब्लैक टेप लगा रखी तो उसका कलर ऐसे, यहाँ देख सकते हो तुम धूल मिट्टी तो मैं दिखे ही नहीं, मैंने रिंग्स भी कपड़ा मारा है अच्छे से। तो अभी एक तो मेरे इसके जो शॉकर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं, उनको थोड़ी बहुत मतलब लुब्रिकेशन की जरूरत है, तो मैं दिखाता हूँ शॉकर्स में लुब्रिकेशन कैसे करना है और देखो कैसे करते हैं आगे का काम। हाँ तो भाई, अभी हमने शिफ्ट कर लिया है गोप्रो पे, अभी तो मैं दिखाता हूँ, ये जो है ये मेरी ऑयल फॉक्स की सील, नेवर माइंड थोड़ा बहुत पेंट लगा हुआ है इस पे। तो अभी दिखाता हूँ इसको लूप कैसे करना है, मेरे पास थोड़ा सा इंजन ऑयल मतलब मिक्सचर है इंजन ऑयल और दो तीन आइटमों का, और ये मेरे पास एक सिरिंज, और अगर इसको लुब्रिकेट करना है तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका रहता है क्योंकि हमें ये जो ऑयल सील होती है ना, ये वाली ये दिखाता हूँ आपको अच्छे से, ये जो सील दिख रही है आपको, ये ऑयल सील, इसकी जो किनारी के अंदर ऑयल डालना होता है लूप करने के लिए इसको। तो पहले तो मैं ज़रा इसके अंदर सिरिंज के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लेता हूँ, आई होप ये चल जाए, काफ़ी दिन हो गए इसको बंद पड़े, ज़्यादा नहीं, हमें थोड़े से ऑयल की जरूरत होती है इसमें, और पता नहीं पिकअप के जब पिकअप किया है उसने थोड़ा सा, पर इतने से बात बनेगी नहीं हमारी, हमें थोड़ा सा और ऑयल चाहिए, लेकिन और आता है कि नहीं आता पिकअप है उठा ले, ओके आ गया, इतना ही चाहिए, थोड़ा सा चाहिए होता है हमें इस काम के लिए। अभी तुम लोग देख सकते हो तो ये एक्चुअली मेरी सील गई है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो इसके बिल्कुल साइड से है ना ऐसे सिरिंज को अंदर डालना होता है, अब ये पुश नहीं होगा क्या, गया थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर गया है, इसको एक साइड से डाल दो तुम, जैसे अभी बाहर आ गया ना इससे ऑयल, तो ये इनफ है। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे और फिर हम शॉक्स को क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, ऐसे ही सील के बिल्कुल साइड से एकदम सिरिंज को अंदर घुसाओ। यार ये थोड़ी सी हार्ड हो गई मेरी, आई थिंक तो चेंज होएंगी, बट ऐसे अभी अंदर जा रहा है ना मेरा ये वाला, तो अगर साइकिल डेली यूज़ करोगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट रहेंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको लेंगे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे ऐसे खड़ी साइकिल में, मैं स्टैंड डाल देता हूँ, ऐसे सब साइकिल आगे वाले अपने ब्रेक दबाइए जोर से, फिर साइकिल को नीचे की तरफ पुश करो, जैसे पुश करोगे ना तो ऑयल सील के अंदर जो ऑयल डाला था ना हमने अभी, वो मूव करेगा अंदर की तरफ, और ये देखो अब हमारा सस्पेंशन काम कर रहा है ना अच्छे से, अभी प्रेस हो रहा है बढ़िया से, और अभी अच्छे से लुब्रिकेट भी हो जाएगा अंदर से। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि सस्पेंशन की सर्विस करवा लूँ एक बारी यार, अभी यहाँ पे तो कोई मैकेनिक है नहीं, डकेत लो उन्हें मेरे यहाँ पे सेक्टर पर नहीं 9 या 10 में डकेत लो उन्हें, वहीं लेके जानी पड़ेगी, वहाँ पे उनके मैकेनिक बहुत अच्छे हैं यार, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे टूल्स भी हैं। तो अभी मैंने टेम्परेरी कर लिया है इसको, कुछ दिन यूज़ करूँगा, तो अभी देखो मैं दिखाता हूँ हुआ क्या उससे।
ये देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, तो ये अंदर जो गंदा ऑयल वगैरह डर्ट जमा हुई थी ना, तो ऑयल के साथ मूव कर लेगी, तो उससे सस्पेंशन में थोड़ी मूवमेंट आ जाएगी, लुब्रिकेशन भी हो जाएगी और चॉकर थोड़ा वर्क करना चालू कर देगा। आई होप दिख रहा होगा ये जो है ना यहाँ पे वाला, ये इसके अंदर से ही निकला है, ये पहले नहीं था इसीलिए, तो ये ऐसे वर्क करता है। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे दबाओ, तो बस अभी हमारा सस्पेंशन वर्क करना चालू हो गया। बाकी तो मैंने चेक कर लिया साइकिल सब जगह से ठीक है ओके। थोड़ा चेन में भी लूप डालना है, चेन में लूप डालने की वजह सिंपल रहती है, तो उसके लिए मैं कुछ वीडियो में उसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, उसको मैं जरा अपने आप ही झटपट डाल लेता हूँ। चेन में लूप डालना सबको पता होगा यार, ज़्यादा दुनिया को चेन में लूप डालने का तरीका पता है, फिर भी नहीं तरीका पता तो भाई मेरे को कमेंट डाल देना जिसको जानना हो। मैं साइकिल की पूरी एकदम सर्विसिंग, ऑयलिंग, सर्विसिंग और इससे रिलेटेड साइकिल मेंटेनेंस से रिलेटेड एक वीडियो पूरी डेडिकेटेड बना दूंगा, अगर किसी को देखना है तो ठीक है, तो कमेंट डालना। तो चलो मैं जरा वो काम कंप्लीट कर लेता हूं, तब तक आप लोगों से मिलता हूं बाद में, उसको कंप्लीट करके साइकिल को पूरा करके भाई नीचे लेके चलते हैं ठीक है। बाय। हाँ तो भाई साइकिल पूरी तरह से क्लीन, मैंने चैन लूप कर दी, सब कुछ क्लीन कर लिया अच्छे से, कल सुबह लेके चलूंगा इसको और कुछ पोस्ट भी कर दूंगा उसमें से। अभी सीन कुछ ऐसा है कि भाई शाम के 6-7 का टाइम हो गया, 6-7 बजे का, और मैं देखता हूँ लक्ष्य से बात करके अगर हम नाइट राइड पर कहीं जा रहे होंगे तो आगे वीडियो कंटिन्यू हो जाएगी, नहीं तो भाई ये वीडियो यहीं तक रहेगी। और भैया यहीं तक है तो भाई इतने वीडियो अभी तक देख लियो, इतनी देखी हो ना देखी हो, इतनी भी देखी हो प्लीज़ वीडियो को करो लाइक शेयर करो और चैनल को करो सब्सक्राइब यार, 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाओ यार जल्दी जल्दी। अगर तुम लोग करवाओगे तो मैं कुछ अच्छा पोस्ट करना चालू करूँगा और ज़्यादा क्या पता, और ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाऊँ। अब तो वीक में एक डाल रहा हूँ, क्या पता वीक में दो भी डालने लग जाऊँ। भाई जिसको भी देखना पसंद है यार, अच्छी लग रही है वीडियोज़ यार, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को प्लीज़, बहुत जरूरत है मैं आप लोगों की। चलो तब तक के लिए अगर वीडियो यहीं पर खत्म रही तो बाय बाय, और आगे कंटिन्यू तो भाई नाइट लाइट दिखाएंगे फिर आप लोगों को। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।